मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, या 10 से थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, 12 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जो फ्री है, दिन भर फुर्सत में है, है ना, सिर्फ पढ़ना ही उनके जीवन का लक्ष्य है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, फिर इससे कम पे भी आएंगे। आप 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, 12 घंटे में से मान लीजिए कि आप लगभग 5 से 6 घंटे के तो वीडियो लेक्चर अटेंड करते हो, आप क्लास अटेंड करते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, है ना। अब आपके पास जो 6 घंटे बचे ना, देखो आपने अगर 6 क्लासेस अटेंड करी तो आपने 6 विषय पढ़े, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें इस विषयों को रोकना नहीं है तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 6 घंटे में आप केवल 3 से 4 मेन सब्जेक्ट पर ही काम करोगे। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप क्लासेस अटेंड करो, उसको बंद मत करो, लेकिन जब बात आती है सेल्फ स्टडी की, जब बात आती है खुद की पढ़ाई की, तो उसमें गिने चुने विषयों पे काम करो और उनको जल्दी से खत्म करने का लक्ष्य बनाओ। आप 8 के 8 विषय को साथ में लेकर चलोगे, नहीं हो पाएगा, है ना भाई। पहले एक मटकी रखें, फिर दूसरी रखें, फिर तीसरी चौथी, चलेगा, है ना, पर 8 की 8 एक साथ रख के कोई चलेगा बिना प्रैक्टिस के, नहीं बैलेंस बना पाएगा। पहले एक रखोगे, फिर आप बोलोगे हाँ एक तो बैलेंस बन जाता, अब दूसरी रख दो, फिर तीसरी रख दो, फिर 8 क्या 10 और 15 और रखा जाएगा। पहले दिन से नहीं कर सकते ना, पहले दिन से आप साइकिल चलाना नहीं सीख जाओगे, पहले दिन में आप कार चलाना नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, कुछ कुछ हिस्सों पे पहले आप काम करोगे, तब जाके आप बाकी चीजों पे काम करोगे, ठीक है। तो आपको इन 3 से 4 घंटे जो है, अगले जो आपके 6 घंटे हैं, इस पे 3 से 4 विषयों पे काम करना चाहिए। उसमें एक मैनेजमेंट विषय अवश्य होना चाहिए, मैथ्स का विषय आपका जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग तो अनिवार्य है, होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही खत्म होगा आपका, इसको खत्म करके साइड करो। तो 3-4 विषय को पहले टारगेट बनाओ और आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि इनमें से लगभग सब साफ हो जाए, ठीक। फिर इनमें से कोई हटा, अगला नई लिस्ट में जुड़ेगा, फिर उस पर काम करें।